हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि दुबई की जो रियल करेंसी है 500 की, वो आप किस तरह से पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही वियर्ड सा है, बट मेरे एक फ्रेंड का जो फ्रेंड था, ही वॉज गोइंग टू दुबई, लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ। उनको उन्होंने किसी लोकल वेंडर को अप्रोच किया और उन्हें जो है नकली नोट दे दी गई। और जब इमिग्रेशन पे उनसे पूछा गया कि आप कितना करेंसी लेकर जा रहे हैं, आप दिखाओ, तो जब उन्होंने करेंसी निकाले और उन्होंने शो किए, तो उनको इसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि उनके पास पहली बार पेपर्स नहीं थे और उनको फ़्लाइट में बोर्ड भी, मतलब कि उसमें उनको काफ़ी बैठा के रखा गया, जो कि वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन उन्होंने, उनके पास कुछ पैसे थे, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और उसके बाद उन्हें किसी तरीके से वहाँ पर फ्री किया गया। बट ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक चैनल बनाया जाए, जिसपे कि आप जो रियल नोट्स हैं, आप, मैं उसे दिखा सकूं और आप ये देख सकें कि रियल नोट्स जो हैं वो दिखते कैसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं ये 500 नोट्स है, 500 दिरहम है। ठीक है, ये इसका फ्रंट है, ये दिरहम का फ्रंट है जिसमें आप देख सकते हैं। अभी मैं हाथ में लेकर भी दिखाऊंगा, बट काफ़ी क्लोजली आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं दिरहम में जो दिखती हैं। ये जो दो नोट हैं, ये भी 500 के हैं, ये भी 500 के हैं। इसमें आपको जो है, इसका बैक साइड है, इसमें फ्रंट साइड है। ठीक है, तो ध्यान से आप इसे देख सकते हैं, ताकि आपको, आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप भी, जब भी करेंसी एक्सचेंज करते हो तो। और ये बैक साइड का है 500 दिरहम। ठीक है, तो ये जो है, ये अरबिक्स में लिखा हुआ है फ्रंट में जो भी है, और बैक में जो है, जैसे कि आपने देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ताकि कोई भी करेंसी होती है इंग्लिश और जो रीजनल लोकल लैंग्वेज होता है उसमें लिखी जाती है। तो इसीलिए मैंने फ्रंट और बैक का दिखाया। अब मैं एक एक नोट करके आपको उठाकर दिखाऊंगा, ताकि आप समझ सकें। पहले फ्रंट का देख लेते हैं, तो ये कुछ देख सकते हैं ऐसा है। ये कुछ यहाँ पे कुछ पॉलिथीन जैसे देख रहे हैं आप, चमक रहे हैं, एग्जैक्टली तो नहीं आ पा रहा है, बट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। इसमें जो चमक रहा देख सकते हैं, उसमें ईगल साइड का दिख रहा है, जैसे इन इंडिया हमारे नोट्स में गांधी दिखते हैं साइड में। अगर आप नोट को थोड़ा सा देखना चाहें तो दूसरे साइड में आपको ऐसा दिखता है। तो ये देख सकते हैं, ये फ्रंट साइड है इसका, ये आई थिंक वहाँ का गवर्नर होगा जिसके ये साइन है। और ये कुछ इस तरीके से नोट है, ये कुछ देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं, जब मैं इसे जूम इन कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ, ये कुछ दिए जैसा बन के आ रहा है, पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, बट कुछ इस तरह से आ रहा है, देख सकते हैं आप। अब दिख रहा होगा ये 500 लिखा हुआ है और एक ये दिए जैसा बन के आ रहा है, राइट फ्रेंड्स। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बार मैं दिखा देता हूँ क्लियरली, कि आप जब भी करेंसी एक्सचेंज करें, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जहाँ से भी आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, उनसे एक वैलिड बिल लें, ताकि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उन्हें ढूंढ सकें। ऐसा ना हो कि आप किसी भी सस्ते करेंसी लेने के चक्कर में आप किसी ऐसे बंदे से करेंसी ले लें जिससे कि फिर आप ढूंढ ना पाएँ, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ही मतलब बुरा लगता है जब आपको इस तरह से देखा जाता है एयरपोर्ट पर। तो मुझे लगा कि मेरे पास कुछ करेंसीज़ हैं 500 दिरहम की, तो मैं दिखा देता हूँ। ये बैक साइड है और देखिए बैक साइड में कुछ इस तरह से दिखता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये पॉलिथीन है एक्चुअली, ये इनके नोट में ये एक पॉलिथीन है जो उन्होंने बनाया, जो बैक साइड फ्रंट साइड, ये पॉलिथीन है ये। ठीक है, ये पता नहीं कैसा नोट है, अगर ये थोड़ा सा भी वो हो तो फट जाएगा, बट दिस इज़ वॉट इज़ दुबई करेंसी। ये देख सकते हैं आप, 500 दिरहम है। तो ये आपको देखना है नोट जो है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइंस आप देख सकते हैं, 500 UAE इस पर लिखा हुआ है, ये देखिए आप। ठीक है, तो ये इस तरह से आप नोट को देख सकते हैं। अभी मेरे पास जो है वो 500 के नोट्स हैं, मैं, और मेरे पास जब 200 के नोट्स होते हैं तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने 200 नोट्स जो हैं वो मैं लाऊंगा और उसका एक वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि
आने वाले जो करेंसी नोट्स हैं आप उसे देख पाएँ वो जेनुइन है या नहीं। तो मैं एक एक करके सारे नोट्स 1,200, 100 जो दिरहम के जो बड़े बड़े नोट्स होते हैं उन सभी के बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में जो है आपको मेरे अपडेट और वीडियोस मिल सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।